नमस्कार, मैं सियादे और आप देख रहे थे टेक्निकल ट्रेडमिल। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा कि कच्ची ड्राइंग क्या होती है और पक्की ड्राइंग क्या होती है, तो कच्ची ड्राइंग और पक्की ड्राइंग है इसका ही मैं अंतर आज आपको बताने वाला हूँ और साथ में आपको दिखाने वाला हूँ ड्राइंग में कि कच्ची ड्राइंग है वो क्या होती है और क्यों उसे बनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आप एक ड्राइंग देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि किसी भी तरह का आप देख लीजिए, कोई भी माप नहीं लिखा हुआ है। ड्राइंग तो इसमें बनी है लेकिन कोई भी माप इसमें नहीं है। अब ये जो माप नहीं है ये कच्ची ड्राइंग है, लेकिन माप कंप्यूटर में जब बनती है तो बिना माप के कंप्यूटर तो चलता नहीं है। उसमें तो जो भी लाइन बनती है उसका माप ऑटोमेटिकली उसमें फीड रहता है, हो जाता है। तो इसी तरह से है, वो ये बनाया जाता है, माप सिर्फ लिखा नहीं जाता है। ये क्यों नहीं लिखा जाता है, कच्ची ड्राइंग क्यों बनाई जाती है, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया करें, लोगों को शेयर भी करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अभी ड्राइंग पे चलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कच्ची और पक्की ड्राइंग में क्या फर्क है और क्यों बनाई जाती है। तो चलिए अभी ड्राइंग पे चलते हैं और आगे का वीडियो देखते हैं। तो देखिए, ये वाली जो एक ड्राइंग है आप देख रहे हैं, ये वाली ड्राइंग पे कहीं पे भी आपको बिल्कुल नजदीक से देख लीजिए, कोई भी आपको इसमें कहीं पे भी कोई माप लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे कोई माप नहीं लिखा है, लेकिन इसमें जो भी है देखिए, ये वाली चेयर वगैरह सब ये पूरी डिजाइन इसमें बनी हुई है। तो अगर माप ही नहीं है तो फिर ये डिजाइन कैसे बना दी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी ड्राइंग कंप्यूटर में बनती है तो उसमें सारा जो माप है वो फीड अपने आप ही आगे हो जाता है और चलता रहता है, क्योंकि वो बिना माप के आगे नहीं चलता है। लेकिन माप इस पे लिखा नहीं गया है। अब सवाल ये आता है कि ये वाली ड्राइंग फिर आती कहाँ से, कैसे बनाई। तो ये वाली जो ड्राइंग है, सबसे पहले देखिए, जब हम अपने घर का जो भी फर्नीचर बनाते हैं उसके लिए ड्राइंग हमको मिलती है, कंस्ट्रक्शन की जो ड्राइंग होती है वहाँ से। कंस्ट्रक्शन जो काम होता है, यानी ये वाला दीवारें वगैरह जो भी बनती हैं इसका है, वो प्लान वहाँ से आगे से हमको मिलता है, चाहे वो पार्टी से मिले या कोई कंपनी बना रही हो तो उससे मिले, तो वहाँ से ये चीज़ मिलती है। अब इसके बाद में हमें फर्नीचर बनाना है तो उसके लिए हम माप अपना देखते हैं कि जो हमको माप आगे से मिला है क्या एग्जैक्ट वही माप है या फिर उसमें कोई चेंज है, कम ज़्यादा है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में और फर्नीचर के काम में बहुत फर्क होता है। कंस्ट्रक्शन में तो है वो 5, 10, 20 mm तक भी आराम से कहीं पे भी चल जाता है, लेकिन फर्नीचर के काम में तो 1 mm भी कहीं कहीं पे है वो मुश्किल हो जाता है, बड़ा या छोटा होने पे दिक्कत खड़ी हो जाती है। इसके लिए माप है वो दोबारा लेना पड़ता है, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। देखिए, इसके लिए इसकी सारी चीज़ों का माप जो लिया है, देखिए ये वाला माप पूरा देखिए, ये लिखा गया है कहाँ पे कितना है, आप बिल्कुल नज़दीक से देख लीजिए। ये वाला माप जहाँ का माप है ये सारा माप लिया गया है। अब इसके हिसाब से जो फर्नीचर है उसकी लंबाई चौड़ाई लेंथ जो भी होगी वो इसके हिसाब से दोबारा इसमें लिखी जाएगी, बनाई जाएगी। और ड्राइंग में जो भी पहले का माप है उससे मैच होता है तो ठीक है, अगर मैच नहीं होता है तो फिर इसके हिसाब से इसको आगे ड्राइंग को बनाया जाएगा। जब ये माप लिख के ड्राइंग बन जाएगी उसके बाद में यही ड्राइंग पक्की ड्राइंग बन जाएगी। जब तक ये नहीं लिखा है अपने काम के लिए, जो भी माप है वो बराबर नहीं लिखा है, तब तक वो ड्राइंग कच्ची ड्राइंग कहलाती है, कच्ची ड्राइंग कहते हैं उसको। और फर्नीचर के काम के लिए इसका पूरा माप है वो दोबारा लिया जाता है, जैसा कि आप ये वाला देख रहे हैं, क्योंकि हर जगह का लंबाई चौड़ाई डीप कहीं की जरूरत है। तो जो भी फर्नीचर के काम में जरूरत है वो कंस्ट्रक्शन के काम में जरूरत नहीं होती है, इसलिए फर्नीचर का काम जब करते हैं तो उसमें माप दोबारा एग्जैक्ट लेना पड़ता है। और इसी के लिए देखिए ये वाला लिया गया है माप। इस तरह से ये माप लिखने के बाद में जब दोबारा ड्राइंग बनेगी तो वो पक्की ड्राइंग बन के आ जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको एक बात है वो नई सीखने को समझने को मिली होगी। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों को शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।